सभी लोग को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज मैं आप लोग को ब्रशेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आप सामने देख सकते हैं। कुछ लोगों ने इन ब्रशेस को देखा होगा इंटरनेट पे, और कुछ लोग के पास मे बी हो भी सकते हैं ब्रशेस। तो क्या क्वालिटीज होती हैं, कैसे हम यूज करते हैं, इन सब चीज के बारे में आज मैं आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ ये ब्रशेस क्या है, इन सब चीज के बारे में। तो अभी आप जो देख सकते हैं ये स्कोडा ब्रांड के ब्रशेस हैं, जिसमें आपका स्कोडा वर्सेटाइल ये ट्रेवल ब्रशेस सेट है। और जो इसमें हेयर है, जो हेयर टाइप है, वो कोलिंसकी सिंथेटिक फाइबर है। और आगे बताने से पहले मैं आप लोग को एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि जो ये ब्रशेस हैं, ये मेरे एक स्टूडेंट हैं जो कि यूएसए से हैं, उर्मी जी, उन्होंने गिफ्ट किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूंगा। और काफी टाइम से मैं भी सोच रहा था ब्रशेस के लिए कि मैं परचेज करूं, सो फाइनली ये ब्रशेस आ गए हैं। और इनका आज मैं रिव्यू दूंगा आप लोग को कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। जिन लोगों ने यूज किया है वो तो जानते ही होंगे, बट फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है, जिनके पास ब्रशेस हैं, क्योंकि ये 6 ब्रशेस का सेट है प्रॉपर, क्योंकि मार्केट में आपको 3 ब्रशेस के लूज में भी आपको ब्रशेस मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप एक सिंगल ब्रश खरीदते हो तो उसमें आपको कुछ डिस्काउंट नहीं मिलता है, मे बी आपको वो कॉस्टली पड़ेंगे, क्योंकि ये जो सेट है ये भी काफी कॉस्टली है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक चीज यही बताना चाहूंगा, जरूरी नहीं कि आपको ब्रशेस परचेस करने हैं। जैसे जैसे आप बिगनर से प्रोफेशनल होते जाओगे, तब आप सोच सकते हो कि हाँ आपको इसको यूज करना है। और जैसा आप, और बाकी मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, जैसा आपका बजट अलाउ करे। उम्मीद करता हूँ मेरी आपको बातें समझ में आ गई होंगी। सो ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं। और सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि इसकी जो पैकेजिंग है काफी ज्यादा अच्छी है, और लुक लाइक आप देख ही सकते हो, एक प्रॉपर एक बॉक्स है। और देखते हैं इसको फिर। बैकग्राउंड में व्हाइट ले लेता हूं, क्योंकि अभी डार्क बॉक्स आया तो डार्क एंड डार्क वो सी मर्ज होकर के आपको विजिबल नहीं होगी उतनी। सो पैकेजिंग बहुत मैटर करती है, अगर आप कोई भी चाहे अपना मटेरियल भी मार्केट में निकालते हो तो पैकेजिंग बहुत मैटर करती है। ओके, सो काफी अच्छी लगी पैकेजिंग। ये एक दफ्ती का बॉक्स है जिसके अंदर एक लेदर केस में आपको दिख रहे होंगे, और काफी अच्छा है, क्योंकि सिर्फ अगर हम कोई भी ब्रशेस लेते हैं, अगर हम ऐसे नॉर्मली कहीं पे ले जाते हैं, तो एक एक मतलब कि एक अगर आपका सेट में है कोई चीज, तो अगर उसका कोई एक प्रॉपर कोई बॉक्स ना हो तो फिर वो हर चीज अलग अलग करके खो भी सकती है, और उसको हम उसकी अच्छे से केयर भी नहीं कर पाते हैं। बट जैसे मैं इसको भी ओपन करूंगा तो आप देख सकते हो एक अलग ही फील आएगा। इसमें मेटल के ब्रशेस हैं डिफरेंट साइज के, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो काफी इंटरेस्टिंग है। और जब मैंने भी फर्स्ट टाइम इसको देखा ब्रशेस को, तो मुझे भी काफी अच्छा लगा। और बाकी तो यूज करते करते आपको आपका हाथ सेट हो ही जाता है। और बाकी तो ये है कि आप बहुत टाइम से अगर वाटर कलर कर रहे हो तो फिर तो कोई ब्रश मिल जाता है, पेंटिंग अच्छी क्रिएट कर ही सकते हो। बट अभी मैं ब्रशेस का रिव्यू दे रहा हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं, तो ये लेदर का केस है, इसके अंदर आपको 6 ब्रशेस दिख रहे होंगे, और काफी यूनिक है इसमें ये काफी 12 नंबर का ब्रश है। चलो पहले मैं स्मॉल साइज के ब्रशेस आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा लुक लाइक लाइनर ब्रश के तरीके है, और आप इसका पॉइंट देख सकते हो। और सिर्फ इसका एक बेस्ट क्वालिटी क्या दे रखा है, ये पीछे से काफी हैवी है एंड आगे से काफी पॉइंटेड है, यानी कि इसको आप अच्छे से अपने हैंड में होल्ड कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक वीडियो डाली थी लास्ट टाइम मॉप ब्रशेस की, तो वो भी आप लोग देख सकते हो कि मैंने उसमें क्या क्या बताया था, क्या क्या क्वालिटीज थी। तो अभी आज तो मैं इन ब्रशेस के बारे में बता रहा हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं इस चीज को। और जो इसका हैंडल जो दे रखा है वुडन का है, बाकी जो इसका जो कैप है, जो कवर है, ये आपका मेटल का है। और इसमें एक हल्का सा एयर का स्पेस दे रखा है, एक स्मॉल सा होल आपको दिख रहा होगा। वो एक्चुअली होता है कि जैसे कभी कभी ब्रशेस को हम वॉश करते हैं, उसको अंदर की उस तरीके से पूरा पैक करते हैं, तो अगर एयर नहीं होगी तो ब्रश के हेयर ड्राई नहीं होंगे। अगर हल्की सी भी अगर उसमें नमी बनी रहेगी तो वो ब्रशेस के हेयर खराब होने के चांसेस होते हैं। ये शायद आपने देखा हो, कुछ ब्रशेस इसीलिए खराब हो जाते हैं कि उनको एयर नहीं मिल पाती, इसकी वजह से वो हल्का ऐसा लगता है कि उसमें कुछ जम गया हो, ऐसा कुछ फफून टाइप के ऐसा लगता है जम गया हो, तो वो खराब हो जाते हैं, हेयर होता ही है। ठीक है, तो आपको दिख ही रहा होगा। एंड द बेस्ट पार्ट ब्रशेस का ये है कि इनको हम ट्रेवल ब्रशेस बोलते हैं। अब ट्रेवल ब्रशेस क्या होते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, नॉर्मली जो हम लोग ब्रशेस यूज करते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के,
तो वो उसमें वो प्रॉपर इस तरीके से आपको ओपन ही मिलते हैं, ठीक है। अब उसको अगर आपको अपने बैग में रखना है या कैसे भी अगर आप ओपनली इसको ऐसे डाल भी देते हो तो उसके हेयर खराब होने के चांसेस होते हैं। खासकर ट्रेवलिंग में हम लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बस हम लोग ब्रशेस निकालते हैं और काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर ट्रेवल ब्रश की बात करें, उसमें आपको प्रॉपर से कैप दे रखा है, यानी कि आप इस ब्रश को कैसे भी लेके ऐसे कहीं भी छोड़ दो बट उसके हेयर खराब नहीं होगा। मेन तो वही है ना, क्योंकि अगर हेयर खराब हो गया तो इस मेटल का भी क्या फायदा। जिसका जो केस दिख रहा है आपको, ये पूरा जो ब्रशेस का पूरा एक यूनिक एक वे, तो आप देख सकते हो इस चीज को। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आएगी। और इसमें आपका 4 नंबर ब्रश है, जो कि 2 नंबर ऑफ कोर्स थोड़ा सा बड़ा ही होगा, और ब्रश के हेयर की थिकनेस आप देख सकते हो। सो अभी इसको हम यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए मैं आपको अलग अलग ब्रशेस दिखा रहा हूँ। ये 6 नंबर है एंड 8 एंड 10 नंबर एंड 12 नंबर। सो काफी इंटरेस्टिंग इसका लुक है, आप देख सकते हैं। और ये आपका 8 नंबर है। और सिर्फ एक चीज बहुत मैटर करती है कि सिर्फ ब्रशेस तो अच्छे लग रहे हैं देखने में, लेकिन क्या यूज करने के बाद वो उतने इफेक्टिव होंगे पेपर पे, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप इसमें मतलब इतने आप परचेज करते हो इन ब्रशेस को, थोड़े कॉस्टली हैं, तो ऐसा ना हो कि यूज करने पे आपको लगे कि ये कुछ वैसा इफेक्ट, मतलब कि ऐसा ना लगे कि आपको कि पैसे तो आपने खर्च कर दिए लेकिन उतना इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें, बट मैं इसका प्रॉपर आपको रिव्यू दूंगा और यूज करके दिखाऊंगा। सो पूरी वीडियो आप अच्छे से देखिएगा। सो ऐसा करते हैं कि अभी मैं एक नॉर्मल 2 नंबर के ब्रशेस यूज कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट कलर पैलेट आप देख सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग बताया कि बेस्ट पार्ट ये है कि ट्रेवल ब्रशेज हैं, आप कहीं भी इसको इजीली ले जा सकते हो आप अच्छे से। सो अच्छी बात यही है। और ठीक है, अब इसको हम यूज करके देखते हैं, तब आप जान पाओगे इससे कैसा क्या कैसा फील आ रहा है। तो ये 2 नंबर ब्रश नॉर्मल लाइनर ब्रश के तरीके ही है, इससे हम फाइन लाइन या कुछ मुझे अगर करना है तो वैसे हम काम कर सकते हैं। तो अभी मैं कोई भी एक सिंपल सा कलर ले लेता हूँ, मिक्स कर लेता हूँ। अब देखिए लाइंस की अगर हम बात करते हैं नॉर्मली इस तरीके से, थोड़ा सा और अगर थिक लाइन देनी है तो आप स्मूथली आप पेपर पे अप्लाई कर रहे हो कर सकते हो और देखने में अच्छा लग ही रहा है। अगर आप देख सकते हो इस तरीके से नॉर्मल कुछ कितने भी देखो आप इससे कितने भी थिक पैचेस आप अप्लाई कर सकते हो, काफी अच्छा इफेक्ट आ रहा है। और अभी हम बाकी ब्रशेस को भी मतलब यूज करके देखेंगे, बट 2 नंबर का ब्रश यूज करने से ही मालूम चल गया कि एक किस तरीके से इफेक्ट इसमें आएगा। थोड़े ड्राई स्ट्रोक्स देने के लिए कितना एक बढ़िया एक इफेक्ट आ रहा है, आप देख सकते हो। तो बिना यूज किए हम ब्रशेस की क्वालिटी पहचान नहीं सकते कि कैसा इफेक्ट देगा। सो 2 नंबर ब्रश से ही आप इतने बड़े टाइप का आप इतना काम कर सकते हो, तो सोचो कि 12 नंबर ब्रश से हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। एक अच्छे आर्टिस्ट की क्वालिटी यही है कि वो कम ब्रशेस में एक अच्छी पेंटिंग क्रिएट कर दे। सो अभी इस ब्रश को मैं रखता हूँ एंड नेक्स्ट ब्रश मैं यूज करके देखता हूँ कि कैसा इफेक्ट आ रहा है। ओके, और जब भी आप ब्रश रखते हो उसको अच्छे से क्लीन कर लिया करो। अभी मैं आफ्टर इसके मैं ब्रशेस अच्छे से क्लीन कर लूंगा। क्लीन करने के नॉर्मल वाटर यूज कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो ब्रश नंबर है वो आपका 8 नंबर है। ओके, तो इसको भी हम ट्राई करके देख सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट शेड लेते हैं। और इसके पहले आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो और भी बहुत सारी वीडियोस जो मैंने वॉटर कलर पेंटिंग से रिलेटेड मैंने बनाई हैं, अगर आपको कुछ सीखना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको हर चीज की नॉलेज मिले वॉटर कलर से रिलेटेड एंड ड्राइंग से रिलेटेड। ऐसा ना हो कि कुछ बच जाए। और मेरी कुछ लाइव क्लासेस भी होती हैं यूट्यूब पे और मेरे ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं, तो ऑनलाइन कोर्सेज मेरे लगातार चल ही रहे हैं। तो जैसे अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में जानना है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं 9559480989। ओके, सो अभी इसको हम यूज करके देखते हैं। देखो कितना एक बेस्ट वाला फील आ रहा है, आप कैसे भी ब्रश को मूव कर सकते हो किसी भी तरीके से। कितना एक बढ़िया फील आ रहा है, आप सबको दिख ही रहा होगा। मतलब अब वही है कि मैं कोई झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूं, वो तो आप देखने में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके कितना एक बढ़िया तरीके से मूव हो रहा है।
ओके, सो द बेस्ट पार्ट यही है। और एक अच्छी बात यही होती है कि जब आप ब्रशेस को यूज करें तो आगे पॉइंटेड क्रिएट हो, यानी कि अगर आपको बहुत ही फाइन लाइन भी देनी है तो आप उसकी हेल्प से कर सको। ओके, ऐसा ना हो कि ब्रश तो बहुत अच्छा दिख रहा है लेकिन यूज करने के बाद सारा काम खराब हो जाए, ऐसा भी ना हो। ठीक है, तो ये सब थोड़ा जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि वाटर कलर भी इतना इजी नहीं होता है, हर चीज को अगर सीखना है तो बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना पड़ेगा उसमें। तो आपको फील तो दिख ही रहा होगा जो मैंने 8 नंबर का ब्रश यूज किया हुआ है, और अभी लास्ट में हम 12 नंबर का ब्रश यूज करते हैं। देखो मैं सारे ब्रशेज यूज करके दिखा दूं मतलब नहीं, लेकिन आपको 2-3 मैंने ब्रशेज यूज किए तो आपको इतनी सही फील आ गया होगा। ओके, तो अब मैं ऑलमोस्ट ये 12 नंबर का ब्रश यूज करता हूँ और ये काफी हैवी है, आपको दिख ही रहा होगा, और काफी अच्छा है। मैं फिर एडवाइस दे रहा हूँ आप लोग को, जैसा आपका बजट अलाउ करे तभी आप परचेस करिएगा। अगर आप बिगनर्स हो तो आपके लिए सिंथेटिक हेयर के ब्रशेज ही आप उससे काम चला सकते हो। जैसे आप थोड़ा सा प्रोफेशनल होते जाओगे तब आप अच्छे आर्ट मटेरियल में इन्वेस्ट करो, मतलब मेरी एक एडवाइस है, बाकी आपकी जैसी इच्छा। ओके, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं। तो हेयर काफी अच्छा है, हेयर्स के बारे में मैंने स्टार्टिंग बता दिया था। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो ये ब्रशेज हैं इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बार्सिलोना में है, और इंडिया में भी काफी सारे डीलर्स हैं इनके, तो बट इंडिया में थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा। अगर आप डायरेक्टली वहां से परचेज करते हो तो आपको मे बी उसमें कुछ फायदा मिले उस चीज में, वो आप डायरेक्टली जाकर के स्कोडा की वेबसाइट में आप जाके देख सकते हो ब्रशेज की। तो फाइनली लास्ट में मैं इस ब्रश का यूज करता हूँ। इस ब्रश से मैं फाइन काम करके दिखाऊंगा और थोड़ा बड़ा वर्क भी करके दिखाऊंगा। तो कोई भी मैं डिफरेंट शेड यूज कर लेता हूँ, कोई भी हल्का सा मॉप कलर ले रहा हूँ मैं। इससे अगर मुझे फाइन लाइन देखो बनानी है तो वो भी पॉसिबल है। देखो तो बेस्ट पार्ट तो यही है ना कि छोटा से छोटा काम और बड़ा से बड़ा काम हो जाए, और क्या चाहिए। अगर मुझे कुछ नॉर्मल कुछ ही बनाना है फील आ गया ना। एक बार में काम खत्म, देखो कितना बढ़िया फील आ रहा है। तो मतलब वही है कि वो आपकी चॉइस, आप क्या बनाते हो, आपका काम कैसा है। देखो इफेक्ट देखने से समझ में आ जाएगा कि कैसे किस तरीके से ब्रश मूव कर रहा है, कैसे उसको आप पेपर अप्लाई कर पा रहे हो नॉर्मली। और लाइंस देखो धीरे धीरे करके, मैं इसको थोड़ा सा लाइंस को आप देख सकते हो, एक ब्रश से आप सारे काम कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतना तो आपको समझ में आ गया होगा जैसे मैंने आप लोग को बताया। और प्लीज सब लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको वाटर कलर इंप्रूव करना है तो आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि हम बस पूरे हफ्ते में एक पेंटिंग बनाए तो हमारा कलर मतलब कि वाटर कलर पेंटिंग इंप्रूव हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको रेगुलर चाहे छोटा सा ही काम बनाओ, चाहे पोस्ट कार्ड साइज का ही वर्क क्यों ना करो, लेकिन करो, क्योंकि आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। वो एक ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन कर लिए तो इंप्रूवमेंट आ जाएगा, ऐसा नहीं। वाटर कलर अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जितना आप काम करोगे उतना धीरे करके इंप्रूव करोगे। उम्मीद करता हूं मेरी सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स से एंड रिलेटिव से सबसे शेयर करिएगा, और बाकी वीडियोस भी हैं। और अगर किसी को ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानना है तो मैंने नंबर आपको बता दिया था, बट चलो मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं, 9559480989 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और उम्मीद करता हूं मैं आगे भी आप लोग के लिए कुछ वाटर कलर पेंटिंग से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड एंड कुछ मटेरियल से रिलेटेड मैं आप लोगों को रिव्यूज देता रहूंगा, जिससे कि आपको एटलीस्ट नॉलेज हो, आपको ये लगे कि आप अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये लगे कि हाँ आप उस चीज थोड़ी वर्थ है। मतलब आपको ऐसा लगे कि आपने 1000 रुपए तो उसमें दे दिए लेकिन वो काम अच्छा नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो बेस्ट होगी मैं उसकी नॉलेज जरूर दूंगा आपको, जो सही नहीं होगा मैं उसको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सो थैंक यू सो मच सभी को, आपने वीडियो देखी, और थैंक यू सो मच। ओके, फिर बाय बाय एंड थैंक यू।